हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम यानमू को देखते हैं जो कि आंशांग को अपने साथ स्कूल चलने के लिए कहता है। वो दोनों जब साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो वही हमारा मिस्टर मजनू घर के बाहर खड़ा होकर आंशांग का वेट कर रहा था। वेल, जब आंशांग काफी देर तक बाहर नहीं आती तो मुझे चैन उसे कॉल करता है। बट हमारा यानमू आंशांग को फोन पिक करने से मना कर देता है। कि वो मना नहीं करता है बट इनडायरेक्टली कहता है कि तुम मेरे साइकिल में बैठकर हिलो मत। शिशिन जब आंशांग को यानमू के साइकिल पर बैठे हुए देखती है तो उसे भी काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। बट हमारे यानमू भाई साहब तो आज आंशांग को बैठाकर काफी ज्यादा हैप्पी थे। मानना उन दोनों को साथ में देख कर कहती है कि ओए होए, ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। तो जिस पर आंशांग कहती है कि तुम बहुत सोचती हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्लास में आने के बाद मुझे चैन आंशांग से कहता है कि आखिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर एक घंटे तक खड़ा था। तो जिस पर आंशांग कहती है कि बट मैं तुम्हारा वेट तो तब करूंगी ना जब मुझे पता होगा कि तुम मुझे पिक करने आने वाले हो। जिसे सुनकर मुझे चैन आंशांग से पूछता है कि क्या तुम्हें यानमू ने नहीं बताया कि मैं तुम्हें पिक करने वाला हूँ। तो जिस पर आंशांग कहती है कि बिल्कुल नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग एंड मोजे चैन को उसी बच्चे के पास देखते हैं जिसे वो बुली ग्रुप अभी भी बुली कर रहा था। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि अब उसका फ्रेंड भी उस ग्रुप के साथ मिलकर उससे बुली कर रहा था। आंशांग के कई बार पूछने के बाद भी वो बच्चा उस बुली ग्रुप के डर से उन्हें कुछ भी नहीं बताता। उन दोनों के जाने के बाद उसका फ्रेंड उससे कहता है कि ज्यादा बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा क्या होगा ये तो तुम्हें भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ मान नान एंड शाओ यू हमेशा की तरह एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होते हैं। मान नान कहती है कि क्या तुम स्कूल के पहले दिन ही मुझसे मार खाना चाहते हो। मान नान एंड आंशांग जब वॉशरूम के लिए जाती हैं तो शाओ यू उन्हें देखकर कहता है कि यार मुझे लड़कियों का कुछ समझ नहीं आता, वी वॉन्ट टू गो वॉशरूम टुगेदर। क्या दो लोगों का साथ में जाना जरूरी है। मुझे चैन जब जा रहा होता है तो शाओ यू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलता है। और ये सब देख कर हमारा मुझे चैन वॉज लाइक भाई तू सच में स्ट्रेट है ना, कि कहीं तू गे वे तो नहीं। तो जिस पर शाओ यू कहता है कि हाँ बिल्कुल, सो प्लीज कुछ भी सोचना बंद कर बिकॉज मैं एक किंग कॉन्ग स्ट्रेट मैन हूँ। मुझे चैन कहता है कि अगर तू स्ट्रेट है तो फिर तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। तो जिस पर शाओ यू कहता है कि अच्छा वो तो इसलिए क्योंकि लड़कियाँ पकड़ती हैं, और मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आखिर ये फील कैसा होता है। तो जिस पर मुझे चैन कहता है कि अच्छा तो तू एक काम कर कि गर्ल्स वॉशरूम में भी चला जा, मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। मुझे चैन जब जा रहा होता है तभी सामने से यानमू भी आ जाता है और जिसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उन दोनों को ऐसे देखकर शाओ यू वॉज लाइक तुम दोनों देखो मैं तो चला। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों आंशांग को लेकर छोटी मोटी बहस कर रहे थे। मुझे चैन यानमू से कहता है कि अगर तुम आंशांग को अपनी बहन मानते हो तो फिर ठीक है, बट क्या सच में तुम आंशांग को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन मानते हो। जिसे सुनकर यानमू इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता, जिसके कारण मिस्टर मजनू को भी पता चल जाता है कि यानमू भी हमारे आंशांग को लाइक करता है। आफ्टर दैट वो यानमू को आंशांग से दूर रहने की धमकियां देते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यू मान्नान को काफी ज्यादा परेशान करता है। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे से बैट लगाते हैं जिसमें बेचारी हमारी मान्नान हार जाती है। एंड देन शाओ यू से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो जिस पर शाओ यू मान्नान को बॉयज वॉशरूम ले जाकर कहता है कि
देख, जब भी कोई लड़का वॉशरूम आएगा ना, तो तुझे उससे कहना है कि वेलकम। एंड जब भी कोई लड़का वॉशरूम से बाहर जाएगा, तो तुझे उससे कहना है कि सी यू नेक्स्ट टाइम। और फिर क्या था, बेचारी हमारी माँ ना चाहते हुए भी शौयू के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करने लगती है। तभी वहां पे शौयू का फ्रेंड आकर मान्नान से कहता है कि आपकी सर्विस काफी अच्छी है, इसलिए मैं आपके मैनेजर से कहूंगा कि आपको हमेशा काम पे रखें। तभी टीचर आकर उन सभी से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे क्या तुमने मान्नान को देखा है। और भाई, ये सुनने के बाद तो हमारे शौयू भाई साहब हाथ धुलने की क्या एक्टिंग करते हैं। टीचर मान्नान से कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलने आए हैं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि मान्नान के फादर उसे मान्नान नहीं बल्कि शान शान कह रहे थे, और ये नाम सुनकर शौयू भी थोड़ा सरप्राइज होता है। देन सेम नाइट हम शौयू को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो अपने बचपन की स्कूल फोटोज देख रहा था। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन में शौयू की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था शान शान। एंड ऑफ कोर्स वो कोई और नहीं बल्कि हमारी मान्नान है। शौयू मान्नान को याद करते हुए कहता है कि ये चुड़ैल और शान शान हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मान्नान क्लास में आती है, तो हमारा शौयू उसे बड़े ध्यान से देखता है। एंड देन उसके पास जाकर मान्नान से पूछता है कि क्या तुम्हारे दो नाम हैं, क्योंकि कल तुम्हारे डैड ने तुम्हें शान शान कहा। जिसे सुनकर हमारी मान्नान वॉज लाइक पगला वगला गए हो का, दो नाम और हमारे बिल्कुल नहीं। और हाँ, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, मुझे कॉमिक्स पढ़ने दो। और जिसके बाद बेचारे हमारे शौयू को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। मोजे चैन शौयू से कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि इस फ्राइडे को क्या है। जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक रुको सोच के बताती हूँ, चैंपियनशिप का फिनाले। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक तुम्हें तो सच में याद नहीं, बट हमारी झांसी की रानी को कैसे भूल सकता है। तो एट लास्ट वो मोजे चैन से कहती है कि आई थिंक कि उस दिन किसी हैंडसम बॉय का हैप्पी वाला बर्थडे है। जिसे सुनकर अगेन हमारा मिस्टर मजनू हैप्पी हो जाता है। वो सभी जब लंच कर रहे होते हैं, तो शौयू मान्नान से पूछता है कि वैसे मान्नान तू बचपन में कौन से स्कूल में पढ़ती थी। और ये सुनने के बाद तो सभी हमारे शौयू को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारा जैकी चैन, अरे आई मीन मोजे चैन, शौयू से कहता है कि ये जानकर तू क्या करेगा कि वो बचपन में कौन सी स्कूल में पढ़ती थी और किस में नहीं। एंड देन हमारी आंशांग कहती है कि बड़े क्यूरियस हो रहे हो तुम मान्नान के बारे में जानने के लिए। तो जिस पर शौयू कहता है कि मैं तो मान्नान के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहता हूँ, क्योंकि क्या पता कि मान्नान वो हो जिसे मैं जानता हूँ। मोजे चैन को जब खांसी आ रही होती है, तो हमारी आंशांग उसे अपना बॉटल पानी पीने के लिए देती है। जिसे देखकर हमारा मिस्टर मजनू कहता है कि तुम मुझे अपना बॉटल पानी पीने के लिए दे रही हो, तो आई थिंक कि ये तो हमारा इनडायरेक्ट किस हुआ ना। जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक लाओ इधर मुझे वापस करो। जिसे देखकर मोजे चैन कहता है कि रे पागल, मुझे सर्दी खांसी है, दैट्स व्हाई मैं तुझे भी इन्फेक्शन नहीं देना चाहता तेरे बॉटल से पानी पी के। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को एक शॉप में देखते हैं, जहां वो मुझे चैन के लिए कप बना रही होती है। एंड काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एट लास्ट वो उसे बना ही लेती है। बट अब क्योंकि वो कप हार्ट शेप का होता है, तो हमारी आंशांग उसे फिर से खराब कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारा मिस्टर मजनू हार्ट शेप के कप को देखकर कुछ और ही सोचे। वेल, उसे खराब करने के बाद आंशांग मोजे चैन के लिए दूसरा कप डिजाइन करती है। एंड देन उस कप पर MX भी लिखती है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि M फॉर मिस्टर मजनू एंड X फॉर झांसी की रानी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोजे चैन क्लास में आता है, तो वो सबसे पहले आंशांग का गिफ्ट फाइंड करने की कोशिश करता है। बट जब उसे आंशांग का दिया हुआ कोई भी गिफ्ट नहीं दिखता, तो एट लास्ट वो उससे पूछ ही लेता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो जिस पर आंशांग कहती है कि मैं नहीं लाई। क्लास स्टार्ट होने के बाद भी हमारे मोजे चैन का ध्यान पढ़ाई में कम बल्कि आंशांग के गिफ्ट फाइंड करने में ज्यादा था।
ड्यूरिंग ब्रेक टाइम जब मोचे शैन बाहर जाता है तो आन शांग चुपके से उसकी टेबल पर गिफ्ट रख देती है जिसके अंदर एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड होता है एंड आन शांग का डिजाइन किया हुआ कफ एंड जिसे देखने के बाद तो हमेशा की तरह हमारे मिस्टर मजनू के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। इन शॉर्ट की वो काफी हैप्पी था। वहीं हमारा शाओ यू जब भी मान नान से बात करने की कोशिश करता तो हमारी मान नान उसे इग्नोर करती। आन शांग एंड मान नान जब साथ में मोजे चैन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रही होती हैं, तभी आन शांग को यानमू का कॉल आता है जिसके बाद आन शांग भागते हुए घर पहुंचती है जहां उसकी मासी रो रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोजे चैन की बर्थडे पार्टी में सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं बट हमारा मोजे चैन काफी ज्यादा सैड होकर आंशांग के आने का वेट कर रहा था। आंशांग के पूछने पर उसकी मासी उसे बताती हैं कि यानमू के डैड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मोजे चैन को इतना सैड देखकर शौयू भी उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। शौयू कहता है कि क्या पता आंशांग तुझे सरप्राइज देना चाहती हो, सो प्लीज वेट फॉर हर। सो आराम से बैठकर उसका वेट कर। और ये सुनने के बाद तो पता नहीं क्यों हमारा मोजे चैन फिर से हैप्पी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।